नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें मैं हम बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा के रूप में समावेशी शिक्षा का वैचारिक एवं दार्शनिक जो आधार है वो क्या निकल के आता है, जो यहाँ पे निकल के आता है कि आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये कहता है क्या है। तो इस बारे में आपको क्वेश्चन भी निकल के आता है, आ सकता है पेपर 10 में, जो कि बीएड के इस कोर्स में आता है समावेशी शिक्षा और विद्यालय में। इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा को आप दार्शनिक आधार पर सत्यापित कीजिए या वर्णन कीजिए उसके सभी बिंदुओं को दर्शाते हुए, या फिर वैचारिक आधार पर या आइडियोलॉजिकल आधार पर आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि पेपर 1 में ये पहला क्वेश्चन निश्चित रूप से निकल के आ सकता है, यहाँ पर आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जो देखिए हेडिंग में निकल के आता है कि समावेशी शिक्षा का वैचारिक एवं दार्शनिक आधार, ये क्या कहता है। तो आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये कहता है कि समावेशन शैक्षणिक अभ्यास के साथ साथ दर्शन भी है। ये कहता है कि समावेशन जो है कि शैक्षणिक अभ्यास के साथ साथ एक दर्शन भी है, जो कि NCERT 2005 देख सकते हैं, NCERT 2005 के अनुसार समावेशन शब्द अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता, बल्कि इस शब्द के चारों ओर वैचारिक दार्शनिक और शैक्षणिक ढांचा है, वही समावेश को परिभाषित करता है। क्या करता है, तो समावेश को परिभाषित करता है। समावेश इस शिक्षा के दर्शन के आधार पर प्रत्येक बच्चे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि उसकी क्षमता पर आधारित ना हो, उसके जो क्षमता है उसके आधार पर जो बच्चे में गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने की जो अधिकार दिया जाए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि मनोविज्ञान ने कई शोध में यह सिद्ध किए हैं कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते हैं, अर्थात सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, चाहे उसका पालन पोषण एक समान परिस्थितियों में क्यों ना हुआ हो। ये कहता है NCF 2005 है, उसके अनुसार तो कहा गया कि किसी भी दो बालक को जो ये नहीं अधिकार है कि उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, ना कि ये कहा गया NCF 2005 के अनुसार कि बच्चे में जो भी क्षमता हो उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, ये कहा था NCERT 2005 में। इसके बाद जो कहा गया कि वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार पता लगा कि कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता है, इस बात को उन्होंने दोबारा से डिस्क्राइब किया। उसके बाद कहा गया कि समावेशी शिक्षा विविध बौद्धिक क्षमताओं एवं व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित संप्रत्यय जो बच्चे के लिए क्षमतागत विभेदीकरण तर्कसंगत नहीं मानता है, ये समावेशी शिक्षा के विविध बौद्धिक क्षमताओं का व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित संप्रत्यय है, जो कि कंसेप्ट है एक प्रकार से कि बच्चों की क्षमतागत विभेदीकरण तर्कसंगत को नहीं मानता है, ये कहता है समावेशी शिक्षा। अब समावेशन की विचारधारा को जब हम समझते हैं तो अलग अलग नामों से जानी जाती है इस बात को कि, लेकिन समकालीन समाज में समावेशी शिक्षा एवं समावेश शब्द सबसे अधिक प्रचलित हुआ है कि समावेशन एक प्रकार की सोच है। क्या है, तो एक प्रकार का थिंकिंग है जो हर प्रकार के व्यक्ति को स्वीकार करती है और उसे महत्वपूर्ण बनाती है। यह अवधारणा जो है कि सामूहिकता के आधार पर समाज के अन्य सदस्यों को बदलती जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है। यह बुनियादी मूल्यों और विश्वास की एक प्रणाली है जो व्यक्तियों की क्षमता को अनदेखी करते हुए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। ये कहता है कि जब शिक्षा में समावेशन में दार्शनिक आधार के निम्नलिखित बिंदुओं को जब अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, तब जाके ये बात सामने आया कि जब शिक्षा को आप सबके लिए कर देते हो, सबके लिए जब शिक्षा की बात करते हो, तब आप कह सकते हो कि यह एक समावेशी शिक्षा के रूप में निकल के आता है, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल। यह देख सकते हैं पहला पॉइंट निकल के आता है समावेशी शिक्षा के दार्शनिक आधार के रूप में।
तो ये कहता है कि सबके लिए शिक्षा, यानी कि जो सबके लिए जो शिक्षा है वो क्या है। तो इस बारे में हम समझेंगे कि सबके लिए समान रूप से जब आप शिक्षा की बात करते हो तो ये निश्चित रूप से सबके लिए शिक्षा होगा। ये आइडियोलॉजिकल आधार पर मैं बता रहा हूँ अभी, पॉइंट 10 पॉइंट, या तो देखते हैं कितना पॉइंट निकल के आता है इसमें से, कि 10 पॉइंट लगभग निकल के आएंगे। तो देख सकते हैं सबके लिए शिक्षा यानी एडुकेशन फॉर ऑल, जब शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो इससे प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया जाता है, जिससे कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक की वंचित नहीं के करना चाहिए कि बालक अमुक भाषा को जानता है, अमुक भाषा को नहीं जानता है, अमुक कैटेगरी से आता है, अमुक वर्ग से आता है, अमुक जाति धर्म से आता है, इसकी शारीरिक स्थिति कुछ अलग है, इस बात की वकालत नहीं करती समावेशी शिक्षा कि बच्चे किसी भी परिस्थिति से हो तो उसकी जो शिक्षा वर्जित हो। ये इस बात के लिए वकालत करती है कि बच्चा चाहे जिस भी परिस्थिति के हो उसे सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में शिक्षक अवसर प्रदान करने की सदैव प्रयत्न करना चाहिए, ये कहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है सीखने के लिए, सीखने के प्रति स्वयं प्रेरित, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन ऑफ लर्निंग। ये कहता है सीखने के लिए स्वयं प्रेरित हो बच्चे, इस तरीके की विचारधारा जो कि बालकों में प्रेरित किया जाना चाहिए कि विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार क्या, तो प्रत्येक बालक के स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए तत्पर रहता है, बालक का मन जिज्ञासु होता है और जो रोज जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और इस बात को ध्यान में रखें कि बालक जब रोज जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो आप निश्चित रूप से उसे सेल्फ मोटिव कर सकते हो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए स्व प्रेरित कर सकते हैं, इस बात को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि 100% नामांकन, अब 100% जो इनरोलमेंट है इसकी बात करता है समावेशी शिक्षा के लक्ष्य के रूप में, कि समावेशी शिक्षा का लक्ष्य 100% बालकों को स्कूल में नामांकन करने से है, जबकि 6 से 14 वर्ष तक के विकलांग कह सकते हैं या दिव्यांग कह सकते हैं आप, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, सभी दिव्यांग बच्चे की जागरूकता का अभाव के कारण जो है कि शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उसे समावेशी शिक्षा के में जो स्कूल के सभी बालकों में प्रवेश, बालकों को जो प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकता है। ये जो स्कूल जो है जो समावेशी शिक्षा में स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकता है, चाहे वह विकलांग हो, चाहे वह किसी अमुक समुदाय से हो, या फिर किसी अन्य वंचित का माध्यम बना हो, या कह सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के रूप में निकल के आता है सहभागिता आधारित, ये देख सकते हैं सहभागिता आधारित यानी कि बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट। ये कहता है कि समावेशी शिक्षा का एक परस्पर सहभागिता पर आधारित प्रक्रिया है, जिसमें कि बाधित बालकों को मुख्य धारा में लाने के लिए सामान्य बालकों के समान अवसर प्रदान किया जाता है। ये कहता है सहभागिता आधारित पार्टीशन जो कहा जाता है, बेस्ड ऑन पार्टीशन अलग करने की जो आधारित है, सहभागिता को अलग करने की जो मोटिव है, इसको ये बात कहता है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, देख सकते हैं आपके सामने में, कि बालक का सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये कहता है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास कराना होता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा सामान्य बालक को विशेष बालक की आवश्यकताओं से परिचय कराती है और वंचित बालकों को समाज में मुख्य धारा में शामिल करने के लिए शैक्षिक प्रशासन को उसकी रुचि का अध्ययन कर उसकी जरूरतों के अनुसार अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करने चाहिए, ताकि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास हो पाए। ये कहता है जिन्होंने जो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में, ये जो आइडियोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि जो कि वैचारिक जो परिप्रेक्ष्य है उसके अंतर्गत ये समावेशी शिक्षा का रूप कहा जा रहा है। कि पुनर्वास आधारित दर्शन, नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्वास यानी कि रिहैबिटेशन बेस्ड फिलॉसफी। ये कहता है समावेशी शिक्षा है उसके सामाजिक स्वीकृति की भावना का बल देता है। ये जो समावेशी शिक्षा है वो क्या, तो सामाजिक और स्वीकारति की भावना को बल देता है, यानी कि विकास करता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई पृष्ठभूमि के प्रति आदर भाव रखने को प्रोत्साहित करते
हुए बालक के समाज में पुनर्वास की स्थापना करती है। बालक को आप समाज में पुनः स्थापित करते हो कि आप इस भाषा को जानते हुए भी आप किसी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, किसी भी संस्कृति से हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, इसके प्रति आपके मन में भावना को उत्पन्न करता है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि आत्मसम्मान की सुरक्षा, यानी कि सोसाइटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि कहता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा में बच्चों की विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक आदि होते हुए भी उन्हें सभी के साथ मिलजुल कर जो ज्ञान सृजन करने के समान अवसर दिए जाते हैं। निश्चित रूप से इस बात को आपको देखने को मिलेंगे अभी के विद्यालय में। वर्तमान रूप से इसके आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए ये बात करवाया जाता है, जिसमें कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक को उसके व्यक्तिक आवश्यकताओं के उचित देख सकते हैं अनुरूप उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाता है, ताकि उसमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, प्रभावी संप्रेषण आदि के गुण विकास हो एवं वह संपूर्ण व्यक्तित्व की ओर अग्रसर हो पाए, ये कहता है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि विविधता का आदर, यानी कि रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये कहता है कि प्रत्येक बालक रुचि, योग्यता एवं क्षमता उनके अनुसार भिन्न होता है, और समावेशी शिक्षा विविधता को अभिशाप न मानकर हर्ष स्वीकार करती है, ये बात कहता है। जब विविधता की हम बात करते हैं तो, यानी कि जब हम विविधता की बात कर रहे होते हैं, तब प्रभावी अधिगम के रूप में निकल के आता है कि प्रभावी अधिगम के लिए बालक के रुचि पर ध्यान रखते हुए उसके सीखने सिखाने के क्रम में समुचित अवसर प्रदान करना आवश्यक होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है सहयोगी सेवाओं का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ सपोर्टिव सर्विस, यह कहता है कि समावेशी शिक्षा प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को समझने और उनकी पूर्ति हेतु विद्यालय की क्षमताओं एवं साधनों के विकास पर बल देता है, ये कहता है। क्यों? तो सहयोगी सेवाओं पर सेवाओं का प्रयोग करके जब समावेशी शिक्षा प्रत्येक छात्रों को आवश्यकता को समझने एवं पूर्ति करने हेतु विद्यालय की क्षमता एवं साधनों का विकास पर बल देती है, तब इसके लिए शिक्षकों को बालकों के अभिभावकों एवं समुदाय से मिलकर कार्य करना होगा, और विद्यालय में जो सहयोगी की भावना है उसको बढ़ाना होगा, और जिससे कि बच्चे को निश्चित रूप से शिक्षक दिया जा सके। वो निश्चित रूप से इस प्रकार भी हो सकता है कि समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन व प्रचार प्रसार हेतु शिक्षा में शिक्षा प्रद फिल्में, टीवी कार्यक्रम, व्याख्यान उसके बाद देख सकते हैं बीसीआर, उसके बाद कंप्यूटर जैसी नई तकनीक का भी तरहीज देना, यानी कि उपयोग करना, ये निश्चित रूप से समुचित प्रबंध की जरूरी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है, देख सकते हैं आपके सामने दिख रहे होंगे कि मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, ये कहता है कि समावेशी शिक्षा मानवीय मूल्यों पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे में समाज में रहते हुए उसको इस तरीके की शिक्षा दिया जाना चाहिए कि बच्चे में मानवता दृष्टिकोण की विकास हो पाए, ये कहता है। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, यानी कि अतः सीखने सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि बालक पूर्ण रूप से उसमें सम्मिलित हो जाए और उसके बारे में अपना आधार, अपनी समझ विकसित करे, ये बात कहता है मानवता दृष्टिकोण। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है प्रजातांत्रिक स्वरूप, इस कहता है कि डेमोक्रेटिक आउटलुक, ये रूप निश्चित रूप से निकल के आता है कि जब हम डेमोक्रेटिक रूप से बात करते हैं तब समावेशी शिक्षा का स्वरूप प्रजातांत्रिक है, ये कहता है कि निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक है। इस व्यवस्था में कि वंचित बालक को अपनी सहयोग्यता के प्रदर्शन का पूर्ण अवसर मिलता है, जिससे कि वह डेमोक्रेटिक रूप आउटलुक ले लेता है, स्वरूप ले लेता है, जिससे कि बच्चे में जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करने से पूर्व बालक के पूर्वाज्ञान तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जानना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि बच्चे की प्रजातांत्रिक स्वरूप को बढ़ाया जा सके और उसको निश्चित रूप से ऐसे प्रदान किया जा सके, ऐसे वातावरण को प्रदान किया जा सके जिससे में वह स्वतंत्र रूप से शिक्षा को ग्रहण कर पाए, निश्चित रूप से। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है 12वां पॉइंट में देखेंगे कि वैज्ञानिक दर्शन, यानी कि साइंटिफिक फिलॉसफी कहता है कि समावेशी शिक्षा
विकलांग यानी दिव्यांग बालकों के समुचित विकास का की जो पक्षधर है, ये कहता है कि समावेशी शिक्षा जो है कि दिव्यांग बालकों के समुचित विकास की पक्षधर है। यह व्यवस्था समाज के व्याप्त भेदभाव से दूर दूसरे जो बालक है बालकों के कल्याण के लिए पक्षपात रहित होकर कार्य करती है, जिसमें कि उन सभी तकनीकों उपाय रणनीतियों को खोजा जाता है जो कि बाधित बालकों की समस्या को कम करने में सहयोग करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, उसके बाद निकल के आता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटेटिव एजुकेशन सिस्टम, यानी कि अधिगम प्रक्रिया में बालकों के अनुभवों द्वारा अनुकरण के माध्यम से चर्चा, प्रश्न पूछना, सुनना, चिंतन, मनन, खेल, क्रियाकलाप, छोटे बड़े समूहों की गतिविधि करना आदि तरीके के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ये कहता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में कि जब आप किसी भी खेल, प्रश्न पूछना, सुनना, चिंतन करना, इस तरीके की क्रियाकलाप छोटे बड़े समूहों में करवाते हैं तो ये बात गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटेटिव एजुकेशन सिस्टम की बात कहता है, जो कि समावेशी शिक्षा के रूप में निकल के आता है दर्शन के रूप में। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है समावेशी शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत क्या कहता है। तो समावेशी शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत को हम समझते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट निकल के आता है आपके सामने। तो इस पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको समझ में आया कि दार्शनिक रूप क्या होता है समावेशी शिक्षा को लेकर के, तो इस वीडियो में ये समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसके सिद्धांत को। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।